रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रोक पाए डॉक्टर, बोले डेढ़ मिनट में इसे चंडीगढ़ या दूसरे अस्पताल ले जाओ, एम्बुलेंस में ही प्रसूता की मौत। हंगाम भास्कर संवाददाता, होशियारपुर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हो चुकी हैं। सोमवार को निकृष्ट स्वास्थ्य प्रबंधों की भेंट एक और महिला चढ़ गई। बच्चे को जन्म देते समय डॉक्टरों की लापरवाही के चलते प्रसूता ने दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने सिविल अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी की और मौत के लिए सिविल अस्पताल के प्रबंधकों को जिम्मेदार ठहराया। मृतका की पहचान सपना 25 के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर ब्लीडिंग रोकने में नाकामयाब रहे, जिसकी वजह से उनकी बेटी को बचाया न जा सका। हंगामे के बाद मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय डॉक्टरों के पैनल का गठन कर दिया गया है। गौरतलब है कि होशियारपुर सिविल अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट न होने की वजह से नर्सों और अन्य विभाग के दूसरे डॉक्टरों की मदद से डिलीवरी कराई जाती है। 12 मार्च को भी इसी तरह का एक केस सामने आया था, जिसमें लापरवाही के कारण प्रसूता की जान पर बन आई थी। फिलहाल पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृत का सपना परिजनों का आरोप सपना के साथ सिविल अस्पताल में बरती गई लापरवाही के बारे में बताती रिश्तेदार महिला, डिलीवरी के समय बच्चे दानी आ गई थी बाहर, अंदर करते समय डॉक्टरों की लापरवाही से हुई डैमेज बिना सुविधा के एम्बुलेंस में किया रेफर। परिजनों ने बताया कि सपना 25 की शादी 7 साल पहले नानक नगर लुधियाना के दीपक कुमार उर्फ दीपू से हुई थी। सपना का 4 साल का बेटा है और दूसरे बच्चे के जन्म के लिए सपना को रविवार 22 अप्रैल को शाम 7 बजे सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। सोमवार दोपहर 12 बजे नॉर्मल डिलीवरी से उसने बेटे को जन्म दिया, लेकिन ब्लीडिंग न रोकने की वजह से हालत बिगड़ती गई। बाद में एक बोतल खून भी चढ़ाया गया। केस संभालने के लिए पूर्व गायनी और जिला फैमिली वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र राज के साथ बेहोशी के डॉक्टर को भी बुलाया गया। सपना की कंडीशन लगातार खराब हो रही थी, खून कम होने की वजह से डॉक्टर ने उसे बेहोशी का टीका भी देने से मना कर दिया। परिजनों ने कहा कि अंतिम समय में सपना को चंडीगढ़ रेफर किया गया और डॉक्टरों ने कहा कि 20 मिनट में इसे दूसरे अस्पताल ले जाओ, लेकिन बलाचौर में ही एम्बुलेंस में सपना की मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों की माने तो डिलीवरी के दौरान ही सपना की बच्चेदानी डैमेज हो गई और खून बहना शुरू हो गया था। सपना के पति दीपक कुमार ने बताया कि जिस एम्बुलेंस में सपना को चंडीगढ़ भेजा गया उसमें सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। रास्ते में मरीज को संभालने के लिए कोई ट्रेन स्टॉप नहीं भेजा गया, ऑक्सीजन भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से वे PGI तक भी नहीं पहुंचे सके। परिजनों ने की कार्यवाही की मांग। सपना की मौत से परिवार वाले सदमे में थे। वह सपना की लाश को लेकर अस्पताल पहुंचे और उनके साथ 100 से ज्यादा रिश्तेदार और करीबी शामिल थे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और रास्ता जाम कर दिया। मांग की कि संबंधित डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को शव सौंप दिया गया। देर शाम उसका संस्कार कर दिया गया। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, डॉक्टर राजेंद्र राज ने बताया कि जब उन्हें केस को हैंडल करने के लिए बुलाया गया तो उस वक्त तक सपना की कंडीशन बेहद खराब हो चुकी थी, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी। ICU की सुविधा न होने की वजह से सपना को चंडीगढ़ रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो पाएगा कि सपना की मौत की असली वजह क्या रही। उन्होंने कहा कि पहली नजर में लग रहा था कि बच्चेदानी सही पोजीशन में नहीं थी, ज्यादा ब्लीडिंग होने से हुई मौत। डॉक्टर जसविंदर सिंह, सपना का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर जसविंदर सिंह ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर सपना की मौत ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से हुई है और वे जल्दी ही रिपोर्ट सौंप देंगे।